अभी बज रहे हैं 5 और मुझे लग रही है भूख बहुत जोर से। मेरे पास ये पड़े हैं हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर। मैं अगर आप में से किसी ने कभी ये ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके बताना। इसका ये पैकेट है 50 रुपीज का। हॉट एंड स्पाइसी लिखा है, मतलब बहुत तीखा होने वाला है शायद। पानी मैंने चढ़ा दिया और इसके अंदर से ये निकला है मैगी, और ये एक ये सीजनिंग का पैकेट है, और ये शायद इसमें ऑयल है। इसको बस बॉईल करना है और फिर स्ट्रेन कर लेना है पानी। इसको कर लिया स्ट्रेन मैंने, और अब इसमें डाल रही हूँ सीजनिंग और ये ऑयल। मैंने इसके ऊपर थोड़े से ये सेसमी सीड्स भी अपनी तरफ से डाल दिए। वैसे इसमें थे भी इसके पैकेट में, और इसे खाकर देखते हैं। मेरे को तो स्मेल से लग रहा है कि तीखा है, खाकर देखते हैं। तीखा तो है, फर्स्ट बाइट में ही तीखा लगने लगा यार ये तो। जो तीखा नहीं खाता है उसके लिए बहुत ज्यादा तीखा है, ऐसा जीभ पे बर्न भी फील हो रहा है। सो जो तीखा नहीं खाता है ना, वो प्लीज इसको मत ही खाना। मुझे तो तीखा लगा, मे बी इससे और स्पाइसी चीजें होती होंगी और स्पाइसी नूडल्स होते होंगे, बट ये मेरे लिए बहुत स्पाइसी है। मैं इसको 5 में से रेटिंग दूंगी, 4.5 दूंगी। मुझे काफी अच्छा लगा, बस तीखा है, पर वो तीखे की वजह से मजा आ रहा है मेरे ख्याल से इसमें। आई लाइक इट। मैं एक और बार उस मैगी का रिव्यू देना चाहूंगी। बहुत तीखा है, बहुत ज्यादा तीखा है। मेरी आवाज सुन रही है, मतलब चेंज सुन रही है आवाज में, जैसा पहले थी मेरी आवाज और अब कैसी है। 3.5 रेटिंग दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा तीखा है। प्लीज इसको लाइक करो वीडियो को, प्लीज।